हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से इस विभूति क्लासेज में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत शानदार, बहुत जानदार एक बढ़िया टॉपिक। और दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को, अपने टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग करते जा रहे हैं। आज का जो दोस्तों हमने टाइप लिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक फिक्स टाइप का पैटर्न है। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्टकट मेथड है, जो आपके माइंड पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, और आप इजीएस्ट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो तरीका दोस्तों मैं आज के वीडियो में डिलीवर करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या किस टाइप का पैटर्न आता है, जैसे इतने आइटम इतने रुपये में बेचने से इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो इतना आइटम इतने रुपये में बेचने से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये पैटर्न फिक्स है। उस पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उस तरीके से चीज़ों को आपको चिपका देना है। जैसे क्वेश्चन बोला कि ए डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन फॉर ₹63,000। एक डीलर जो है, एक विक्रेता किसी सिलाई मशीन को 63,000 रुपीज में सेल करने से विथ ए प्रॉफिट ऑफ 5%, एक विक्रेता को 8-6 सिलाई मशीन को 63,000 रुपये में बेचने से उसे 5% का प्रॉफिट होता है, तो फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन, 8 मशीन को कितने में सेल करे इफ ही इंटेंस टू अर्न 15% प्रॉफिट। अगर उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे 8 मशीन को कितने में सेल करना होगा। देखिए, पहले मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके, उसके बाद इसका क्या बेसिक क्या है, चीज़ें कहाँ से आई वो मैं आपको बताऊँगा। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल याद रखना है, ऊपर में आपको हमेशा रखना है आर्टिकल, क्या रखना है आर्टिकल, और नीचे में हमेशा आपको रखना है प्राइस। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे ए डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन, 6 सिलाई मशीन है, तो ऊपर में हमेशा आपको हमने क्या बताया था, आर्टिकल रखना है। प्राइस कितनी है, 63,000, तो यहाँ पे 63,000 रख दीजिए। क्लियर है? इसे बेचा कितने में गया है, बेचा गया है 5% के प्रॉफिट पे, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 105%। सीपी होती है 100%, जब 5% उसमें प्रॉफिट होगा तो सीपी कितनी हो जाएगी, 105%, मतलब 105% में वो सेल होगी। तो यहाँ आपको करना है 105%, 105% इज इक्वल टू, इसको बराबर करना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको कितने मशीन सेल करने हैं, 8 मशीन, तो यहाँ पे दोस्तों आप कर दीजिए 8। आर्टिकल ऊपर मैंने बताया था, आर्टिकल ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, प्राइस। यहाँ प्राइस ही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको पता नहीं। और कितने परसेंट के प्रॉफिट में, 15% के प्रॉफिट में, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 115%, ये हो जाएगी 115% इंटू 115%। क्लियर है? परसेंटेज कट जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 600 टाइम्स, क्योंकि देखिए 6 5 जा 30 6 1 जा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, 8 × 115, तो 800 + 120 कितना हो गया, 920। कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 × 115, तो 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो 800, 8 × 15 कितना, 120, तो कितना हो गया, 800 + 120, 920, 920 में 2 0 चिपका दीजिए, तो कितना हो गया, 9200 रुपीज। अब बहुत सारे बच्चे जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी है, उनको बेले बैठने हैं, तो बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो उनके लिए भी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। देखिए, आपको हमेशा इसी पैटर्न को याद रखना है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि कैसे आया, तो उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, 6 मशीन का प्राइस कितना है, 6 मशीन का एसपी कितना है, 63,000 है, तो एक मशीन का एसपी कितना हो जाएगा, 63,000/6 एक मशीन का, एक और इस एक मशीन का एसपी हो गया, इसको बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का, इसका मतलब कि 105% की वैल्यू, 105% की वैल्यू ए है, 105% की वैल्यू ए है, तो 1% की क्या होगी, नीचे में क्या हो जाएगी, इंटू 105% हो जाएगी, 105% हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100%। इसका मतलब क्या हुआ,
हमें पता लग गया कि एक आइटम का सीपी कितना है, क्योंकि सीपी क्या होती है 100%, तो आपको सीपी पता लग गया। अब आपको पता करना है कि 8 आइटम को सेल करना है ना, हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन, तो 8 मशीन का सीपी निकाल लीजिए। और इस मशीन को कितने कितने में बेचना है, 15% के प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा, इस सीपी का 115% निकाल दीजिए। अब ये दोस्तों आप बताओ कि अगर इस चीज़ को अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 8 × 115, तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 115 है, क्लियर है। 100% की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 × 115 ये 63,000, यहाँ पे जाएगा × 63,000, तो यहाँ पे देखिए × 63,000, और ये यहाँ पे रहेगी तो ये नीचे में क्या हो जाएगी, 6/105, तो देखिए 6 × 105, तो यहाँ क्या है, 6 × 105 है कि नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में इतनी चीज़ें बार बार सोचने से वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, इसीलिए हमने इसका एक शॉर्टकट बना दिया कि आप डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड पैटर्न की क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एक एग्जाम में आजकल तो मतलब काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये टेक्निक तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे है कि ए मैन बाउट 154 टॉफीज 4 रुपीज़ 1, एक आदमी 1 रुपये में 154 टॉफी खरीदता है, परचेज करता है। हाउ मेनी टॉफी फॉर ए रुपीज शुड ही सेल टू गेन 28 होल 1/3%, मतलब कि यहाँ पे 1 रुपीज कर लीजिए, ए रुपीज कुछ भी है, 1 रुपीज, तो वो 1 रुपये में कितना टॉफी सेल करे कि उसे 28 होल 1/3% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो 28 होल 1/3% की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 20% प्लस 8 होल 1/3%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और 8 होल 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12। सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 17/60, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा कि 130%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 30%, एक क्लियर हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 + 3/10, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मेरे को लिखना है कि 100% और प्लस 28 होल 1/3%, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + ये कितना हो जाएगा, 17/60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/60, क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है कॉम्प्लिकेटेड है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 100 प्लस 28 होल 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 77/60। अब देखिए कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आर्टिकल को आपको ऊपर रखना है, तो आर्टिकल कितना है, 154, नीचे में क्या आएगा, प्राइस आएगा, तो ये कितना है, 1 रुपीज, और सीपी कितना होगा, ये तो इतना ही में खरीदा ही गया है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इतना ही में खरीदा ही गया, तो सीपी कितनी होगी, 100% होगी, 100% इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, 5% प्रॉफिट हो रहा था, 105% कर रहे थे, वो हम लोग क्या कर रहे थे, सीपी को ही तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर खरीदा गया है तो इसका मतलब कि 100% है। मतलब अगर बोला जाए, अगर इनडायरेक्टली अगर समझा जाए तो 100% में सेल किया गया है, अगर इस तरीके को अगर इसको अगर अलग वे में सोचना है तो 100% में सेल किया गया, मतलब आइटम जितने में सीपी है उतना ही में सेल किया गया, उसका मतलब ये था कि जो सीपी का प्राइस है उसी में सेल कर दिया गया, मतलब 100% प्राइस पे सेल कर दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपको ये पूछ रहा है कि आपको टॉफी पूछ रहा है कि हाउ मेनी टॉफी, मतलब आर्टिकल पूछ रहा है, तो ये आपको पता नहीं, अपॉन रुपीज तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पर जो दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि आप क्या लिखते हैं, 100 + 100 + 28 होल 1/3, तो लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने 100% + 28 होल 1/3% की जो वैल्यू है
वो हमने डायरेक्ट लिख दिया 77/60। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट हमें लिख देना है 77/60। कोई डाउट है, क्लियर है? 100% की तो वैल्यू 1 होती है, तो इसको तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो 1 ही 100%। 77 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 ही आपका आंसर हुआ। तो ये दोस्तों फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन दे तो सिंपल, आपको ऊपर आर्टिकल, नीचे प्राइस, यहाँ पे आपको सीपी जितना बढ़ रही है घट रही है उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग बनाइए, उसको इक्वेट कीजिए और सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट, नए अप्रोच के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।